दोस्तों आइए जानते हैं साइबेरियन पक्षी के बारे में। रूस साइबेरिया में निवास करने वाले ये पक्षी बर्फ जैसे सफ़ेद होते हैं, इसलिए इन्हें साइबेरियन वाइट क्रेन या स्नो क्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ये पक्षी रूस के साइबेरिया से भारत तक 3000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं आइए जानते हैं। दरअसल आपको यह बता दें, साइबेरिया का तापमान सर्दियों के मौसम में -50 डिग्री सेंटीग्रेड से -60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और यह भारी बर्फ से ढक जाता है, जिसके चलते इस तापमान में पक्षियों का जिंदा रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। बर्फ जम जाने के कारण यहाँ के कीट पतंगे मर जाते हैं और इनका भोजन भी नष्ट हो जाता है, इसलिए यह स्थान सर्दियों के मौसम में पक्षियों के अनुकूल नहीं है। यही कारण है कि ये पक्षी भोजन और आश्रय की तलाश में हर साल दिसंबर से मार्च के बीच में संगम प्रयागराज में नजर आते हैं, इसलिए इन्हें प्रवासी पक्षी भी कहते हैं। ये पक्षी हवा में भी उड़ सकते हैं और पानी में भी तैर सकते हैं। 3 से 4 महीने तक साइबेरियन पक्षी भारत के अलग अलग स्थानों पर रहते हैं और गर्मियों का मौसम शुरू होते ही ये वापस लंबी उड़ान भरकर साइबेरिया पहुंच जाते हैं। ये पक्षी रूस, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए लाखों की संख्या में भारत में प्रवेश करते हैं और सबसे पहले महाराष्ट्र के बारामती में स्थित बिग बर्ड सेंचुरी में मिलते हैं। ये पक्षी हर साल प्रयागराज के माघ मेले में नजर आते हैं और इसे आकर्षक बना देते हैं, जिसे हमारे देश के पर्यटक ही नहीं बल्कि लाखों विदेशी पर्यटक इस अद्भुत दृश्य को देखने आते हैं। यहाँ के पर्यटक साइबेरियन पक्षी को सेव की नमकीन भी खिलाते हैं। दोस्तों और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।